वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो ये वीडियो है ना, थ्री बेसिक हैंड मूवमेंट के ऊपर है जो आप विदाउट फुट यूज कर सकते हैं। आपको अपने पैरों को चलाना भी नहीं पड़ेगा और आप ये स्टेप को यूज कर सकते हैं डांस में। जो लोग डांस में अपने पैरों को यूज नहीं कर पाते हैं ना, तो ये स्टेप्स उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। वो खड़े रह के अपना डांस परफॉर्म कर सकते हैं और डांस को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। तो फ्रेंड, हम इस तरीके से खड़े हुए, हमने अपने पैरों में थोड़ा सा गैप दे दिया और हम अपने हाथों को इस तरीके से रखेंगे और 1 2 3 4 आगे पीछे इस तरीके से करेंगे। तो हम अपने राइट साइड पे पहले झुकेंगे हल्का सा और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से नीचे ले जाएंगे और 1 2 और फिर उन्हीं हाथों को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे 1 2। जब हम अपने हाथों को नीचे ले जाएंगे तो नीचे की तरफ देखेंगे हल्का सा झुक के, और जब हम अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ऊपर की तरफ देखेंगे और हल्का सा पीछे की तरफ बेंड हो जाएंगे 1 2। अब हम अपोजिट साइड पे भी करते हैं फ्रेंड, लेफ्ट साइड पे। हम जब लेफ्ट साइड पे अपने हाथों को ले जाएंगे तो अपनी लेफ्ट साइड की तरफ झुक जाएंगे और नीचे देखेंगे 1 2। ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर की तरफ देखेंगे और हल्का सा बेंड हो जाएंगे पीछे की तरफ 1 2। तो फ्रेंड ये कुछ इस तरीके से रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड आप इसमें अपने पैरों को भी यूज कर सकते हैं और कमर को भी यूज कर सकते हैं, तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत एक्शन लगेगा। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब फ्रेंड आप डांस परफॉर्म करें ना, चाहे एक जगह खड़े रह के कर रहे हैं या अपनी पूरी बॉडी को यूज करके डांस कर रहे हैं, तो प्यारी सी एक स्माइल अपने फेस पे रखिए ताकि डांस और भी ज्यादा खूबसूरत लगे। तो फ्रेंड, जो हमारी सेकंड स्टेप है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। हमारे हाथ इस तरीके से चलेंगे, जो हमारे हाथों का पोजीशन होगा वो इस तरीके से होगा और उसे हम इन करेंगे, अंदर की तरफ करेंगे इस तरीके से। और जब हम फ्रेंड स्टेप करेंगे तो वो क्रॉस में जाएगा, यानी कि यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, और जब ये यहां पर होगा हाथ हमारा तो यहां से हम नीचे की तरफ करेंगे। और सेम हम अगर हमारा हाथ ऊपर यहां की तरफ होगा तो हम इसे नीचे की तरफ, यहां लाके स्टेप को स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा फ्रेंड। और हम जब ये स्टेप कर रहे होंगे तो जिस डायरेक्शन में हम झुकेंगे, जैसे मैं लेफ्ट में झुक रही हूं तो मेरा लेफ्ट वाला हाथ आगे की तरफ रहेगा और राइट वाला हाथ पीछे की तरफ रहेगा इस तरीके से 1 2। और जब मैं दूसरे डायरेक्शन में करूंगी तो मेरा राइट वाला हाथ आगे की तरफ आ जाएगा और लेफ्ट वाला हाथ पीछे की तरफ हो जाएगा इस तरीके से 3 4। अब मैं यहां से इसे यहां नीचे ले जाऊंगी और 1 2 3 4। तो ये फ्रेंड कुछ इस तरीके से रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड हम इसमें अपनी कमर किस तरीके से चलाएंगे और अपने पैरों का यूज कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड जो हमारी थर्ड स्टेप है वो कुछ इस तरीके से है। हम अपने हाथों को इस तरीके से रोल करना है 1 2। बस दो बार हमें अपने हाथों को इस तरीके से रोल करना है। 3 पे हमें अपने हाथ, 3 4 पे हमें इस तरीके से अपने कमर पर और अपने सिर के पीछे इस तरीके से हाथ रखना है 3 4। सेम हमें अपोजिट साइड करना है 1 2। इस तरीके से सिर पे हाथ रखना है और इस तरीके से कमर पे हाथ रखना है 3 4। तो फ्रेंड देखते हैं ये किस तरीके से रहेगा 1 2 3 4 1 2 3 4। तो फ्रेंड हम इसे अपने पैरों का और कमर का यूज करके कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। फ्रेंड हम अपनी तीनों स्टेप का एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने वो सारी स्टेप की हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए 1 2 3 की काउंटिंग पे मेरे साथ 1 2 3 स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6
सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।